अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंस्टेंट पाव भाजी की रेसिपी, जो कि बहुत क्विक ईजी और बहुत टेस्टी होती है। जिसके लिए हमने ले लिया है 3 प्याज कटी हुई, बारीक कटा हुआ मीडियम साइज की प्याज, और हमने 3 टमाटर ले लिया है मीडियम साइज का, ऐसे कटा हुआ छोटे छोटा, और हमने 4 आलू ले लिया है छोटे छील के, और ये कॉलीफ्लावर ले लिया है आधी कॉलीफ्लावर ले लिया है। अब हम एक कुकर में या फिर जिसमें भी आप बना रहे हैं, हाँ कुकर में ये क्या हमारी प्याज डाल देंगे, ऐसे जरा सॉटे कर लेंगे। इसमें अभी तेल डाल देते हैं हम लोग, तीन टेबलस्पून हम तेल डालेंगे प्याज में। मेरा लाइटर भी दिखा क्या? अब हम इसे थोड़ा ये ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। हम इसमें आधी चम्मच जीरा डाल देंगे। तो हमने जो हमारे आलू थे वो ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। हमारी प्याज भी जल्दी ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो अब इसमें 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, छोटा चम्मच पेस्ट डालें, और हम अब इसमें 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब हम हमारा जो टमाटर है इसमें ऐड कर देते हैं। इसे भी जरा भून लेते हैं मिक्स करके। सब हमारे जो ये प्याज और टमाटर है जो सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें आलू डाल देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, मसाले डाल लेते हैं अभी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और हमारा जो गरम मसाला 1 चम्मच वो भी डाल देते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, मिक्स कर लेंगे मसालों को। और हाँ, हमने ये फास्ट फ्लेम रखा हुआ है इंस्टेंट है ना। अब हम हमारे इसमें आलू डाल देंगे, और जो कॉलीफ्लावर काट के रखे थे हम वो भी डाल देते हैं, ये भी मिक्स कर लेंगे। नमक, और इसमें नमक डाल देते हैं, ये हमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट। ये हमने मिक्स कर लिया, और हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देते हैं, साथ में इसका कलर अच्छा आने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। ये सब हमने मिक्स कर लिया है हमारे इंग्रेडिएंट्स, और अब हम इसमें लिड लगा के 3 सीटी अपने आलू गलने तक इसे हम पका लेंगे। देखिए फास्ट फ्लेम पे हम इसमें 3 सीटी आने तक पकने छोड़ देंगे। तो अब हमारे पाव भाजी को 3 सीटी हो गई थी, और अभी हम इसको ये मैशर की मदद से ऐसे मैश कर लेंगे और इसे स्मूथ बना देंगे। ज़्यादा भी स्मूथ नहीं, थोड़े वेजिटेबल्स नहीं दिखने जैसा कर लेंगे इसे। तो हमने अब हमारे पाव भाजी को इस हद तक हमने मैश कर लिया है, और अभी हम इसमें हमारे फ्रोजन पीस ऐड कर देंगे। तो हम हमारे जो फ्रोजन पीस है उसे ज़रा रोस्ट कर लेंगे ताकि ये क्रिस्पी जैसे हो जाए। तो मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाल दिया है, और इसमें अपने मटर को रोस्ट करेंगे थोड़ी देर तक। अब हमारे जो पीस है इसको मटर है जो पाव भाजी में डाल देंगे, थोड़े हम इसे ज़्यादा सीख गए, आप ग्रीन रखिएगा। अब हम इसमें हम चॉप कोरिएंडर लीव्स डाल लेते हैं गार्निशिंग के लिए,
और ये थी हमारी पाव भाजी की रेसिपी, सिंपल एंड क्विक इंस्टेंट पाव भाजी की रेसिपी। आप जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी है रेसिपी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।